हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफ़र के सब्जेक्ट को किस तरह से क्रैक किया जाए। हीट ट्रांसफ़र आपका बेसिकली एम है फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। एम है आपका 32 मार्क्स लाना। ओके, अभी जिन्होंने अभी तक हीट ट्रांसफ़र को टच नहीं किया है किया हो तो उनके लिए मेरा वीडियो बेस्ट है। आप देखिए, समझिए, फिर भी आपको कुछ डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ आपको कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले करना चाहिए, आपके पास कम टाइम बचा हुआ है तो उसके लिए मेरे हिसाब से फर्स्टली आपको हीट एक्सचेंजर जो टॉपिक है वो लेना चाहिए। अभी इस टॉपिक को आपको लेने का कारण क्या है? अगर ये टॉपिक लोगे तो ये सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स ही मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स, और आपको साथ ही इसमें डेरिवेशन भी मिल रहा है सब में। सो गेटिंग द डेरिवेशन, साथ में आपको इसमें आपको मिल रहे हैं थेरी। इसमें आपको हीट एक्सचेंजर में आपको दो टाइप की हीट एक्सचेंजर मिलते हैं। एक है पैरेलल, मैं समवाइज बता रहा हूँ, पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। ओके, इसके सम्स कीजिए, सिंपल है। इसमें दो टॉपिक्स है, सिंपल वाले सम और एक होता है एनटीयू मेथड वाले सम। ओके, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट वाले सम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरी वेबसाइट है qualitytutorial.in, www.qualitytutorial.in। यहाँ पे जाओगे यू विल गेट माय फॉर्मूला लिस्ट फॉर हीट ट्रांसफर। ओके, इन दैट केस यू हैव टू गो टू हीट एक्सचेंजर, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको हीट एक्सचेंज के बारे में आपको सब फॉर्मूला मिल जाएंगे। हार्डली एक 10-15 फॉर्मूला है उसके ऊपर। अब देखिए, आपको ये टॉपिक आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ से आपको यू कैन आप चोरी कर सकते हो 10 से लेके 20 मार्क तक। ओके, ये बता रहा हूँ मैं, आप 10 से लेके 20 मार्क तक आप ये टॉपिक से चोरी कर सकते हो। नाउ दूसरा जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ आपको करने के लिए वो है आपका एक्सटेंडेड फीन्स। टॉपिक है एक्सटेंडेड फीन्स। ओके, एक्सटेंडेड फीन्स कीजिए, आपको यहाँ से आसानी से आपको 10 से 15 मार्क तक आपको मिल सकता है। मैं 10 ही मार्क पकड़ रहा हूँ आपको। इसमें क्या क्या टॉपिक आएगा एक्सटेंडेड फीन्स में, इसके डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन आप कर सकते हो, सिंपल सम से इसके ऊपर, न्यूमेरिकल जो आएंगे इसके ऊपर, सिंपल न्यूमेरिकल से इसके ऊपर आप ये कीजिए। अगर आपको एक्सटेंडेड फीन्स आ गया तो आपको इजीली आपको थर्मोकपल जो है थर्मोमेट्रिक वेल का सम, थर्मोमेट्रिक वेल वाले सम आपको इजीली आ सकते हैं। थर्मोमेट्रिकल सम 10 मार्क को आते हैं, ये भी इजी टॉपिक है। ये हो गया तो ये भी हो जाएगा आपका। डेरिवेशन का भरोसा नहीं, आपको टाइम है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट न्यूमेरिकल इसके जरूर कीजिए। इसमें 3 केस है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में क्या है? केस 1 में है फिन्स इन इनफिनाइट लेंथ। ओके, एंड इसमें केस 2 में फिन विद अ फाइनाइट लेंथ, एंड थर्ड केस में फिन विद अ फाइनाइट लेंथ एंड टीप इंसुलेटेड की टॉपिक है इसमें, आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक लोगे? नेक्स्ट आप लोगे अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में अगेन, मतलब इसका सरनाम भी है लम मास पैसिडन मेथड, और सिंपल लम मास मेथड कैन यूज। ओके, लम मास मेथड। ओके, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल साथ यहाँ पे आपको समटाइम यहाँ पे
डेरिवेशन भी आपको आते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में हमेशा इसमें सम्स आए हुए 10 मार्क के लिए, हमेशा 10 मार्क के लिए। थेरी भी आती है इसमें, और ड्यून बाय द इजलर चार्ट आप खोलेंगे, शॉर्ट नोट ऑन इजलर चार्ट आपको पूछेंगे लोग, शॉर्ट नोट ऑन इजलर चार्ट। तो इसमें से आप आसानी से अगेन 10 से लेके 15 मार्क में, मिनिमम बता रहा हूँ 10 से लेके 15 मार्क आप कर सकते हो। यहाँ से आपको मिला 10 मार्क, यहाँ से मिले 10 मार्क, यहाँ से मिले 10 मार्क, और एक थेरी करोगे, यू कैन इजिली ये टॉपिक आप करोगे, हीट एक्सचेंजर, एक्सटेंडेड फीन्स, थर्मोमेट्रिक वेल, अनस्टेडी हीट ट्रांसफर, आसानी से आप लोग 32 मार्क्स आपके आप गेन कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। ओके नाउ, अभी इसके अलावा जिन्हें स्कोर करना है और जिन्हें स्क्योर करना है कि और मार्क्स हम कैसे लें, तो उनके लिए टॉपिक है मेरे, मेरा भी एम हो गया 32 मार्क्स का। अभी मेरा एम है हाउ टू गेट द 50 मार्क्स। ओके नाउ टू गेट द 50 मार्क्स मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं लूंगा टॉपिक कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में दो टॉपिक है, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। 32 मार्क्स वाले भी सुन लीजिए, जिनको 32 मार्क्स का जिनका एम है, इसके ऊपर डेरिवेशन आता है, दो डेरिवेशन है, वो दो डेरिवेशन आपको करना है, जैसे कि नसेल नंबर इज इक्वल टू सी आर ई रेस टू ए पी आर एस टू बी, और एक है नसेल नंबर इज इक्वल टू सी आर ई रेस टू ए जी आर एस टू बी। एक है फॉर फोर्स कन्वेक्शन के लिए, दूसरा है फॉर नेचुरल कन्वेक्शन के लिए। नाउ ये टॉपिक हो गया, इस पर सम्स भी आते दोनों के ऊपर, इस पर भी सम्स, इस पर भी सम्स, ये तो आपको हमेशा मिलते हैं 8 मार्क्स के लिए, हमेशा आता है ये। ओके इस पर सम्स आएंगे आपको 10 मार्क यहाँ पे, 8 मार्क यहाँ पे। ओके नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक लूँगा मैं मेरे हिसाब से, वो लूँगा मैं स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर बिटवीन वॉल्स, प्लेन वॉल्स, सिलेंडर, स्पीयर। ये होने के बाद इसमें और टॉपिक है इंटरनल हीट जनरेशन, इंटरनल हीट जनरेशन। ये भी टॉपिक सिंपल है, यू कैन ऑल्सो यूज इंटरनल हीट जनरेशन का। एक्स के सम्स आते हैं, ऑरेंज के सम्स आते हैं, इस पे सम्स आते हैं, इंटरनल जनरेशन एक्स ऑरेंज, इस पे आपको सम्स मिल जाएंगे, ये भी आते हैं। नो ये हो गया 50 मार्क्स के लिए। अब इसको और स्कोर करना है लाइक आगे टॉपर लोग के लिए, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको आगे लेना पड़ेगा टॉपिक ऑफ रेडिएशन। ऐसा नहीं है कि आपको रेडिएशन भी कर सकते हो जिसको 32 मार्क्स लेना है या 52 मार्क्स लेना है, रेडिएशन टॉपिक भी इजी है। ओके बट मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ इसको एंड में लीजिए आप रेडिएशन को। इसमें भी टाइप्स है रेडिएशन में, इसमें भी आते डेरिवेशन आते हैं, इसमें भी डेरिवेशन है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, अगेन इसमें भी दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है, दो नहीं बेसिकली तीन है, बट मैं दो ही बोल रहा हूँ, दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है। इसके डेफिनेशन आते हैं इसमें, शॉर्ट नोट्स आते हैं इसमें। ओके ये टॉपिक है, इसको एंड में लीजिए आप। ओके अगर किसी को कुछ डाउट है इस टॉपिक में, यू कैन गेट माय फ्री पीडीएफ नोट्स, माय फ्री पीडीएफ नोट्स ऑन माय वेबसाइट, जिसके बाद बताया मैंने आपको माय वेबसाइट नेम इज क्वालिटी ट्यूटोरियल डॉट इन पे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। ओके
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।